आरजेडी विधायक अनिल सहनी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एलटीसी घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनिल सहनी को 3 साल की सजा सुनाई है। आरजेडी विधायक पर आरोप था कि जेडीयू से राज्यसभा सांसद रहते हुए इन्होंने जाली ई टिकट व फर्जी बोर्डिंग पास बनवाकर भत्ता भुगतान लिया था। इस तरह उन पर 23.31 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। वहीं कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ने से मना भी किया है। दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने की एलटीसी घोटाले मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। नियम अनुसार 2 साल से अधिक की सजा होने पर ही सदस्यता चली जाती है। ऐसे में अनिल सहनी 5वें जनप्रतिनिधि होंगे जिनकी विधायकी जाएगी। इनके पहले सजा पाने के कारण 4 विधायकों की सदस्यता चली गई है। राम नरेश यादव, राजबल्लभ यादव, इलियास हुसैन और अनंत सिंह की सजा के कारण सदस्यता गई है। अनिल सहनी अब अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अनिल सहनी की सदस्यता जाने के बाद आरजेडी के विधायकों की संख्या 78 हो जाएगी, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 76 है। डॉक्टर सहनी को फिलहाल जमानत दे दी गई है, अब वे दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। इस जमानत की एक तय अवधि भी होती है, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक। इस बीच वो उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। फिर हाईकोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा।